hello dear students welcome to the class in today's class we are going to study bihar board book radiance class 8 chapter 8 measure for measure all of you take your book when i will read the lesson and explain the lesson you underline the difficult word and write their meanings measure for measure जैसे को तैसा वर्मर हैव यू एवर मेट और सीन ए पर्सन हु मे बी एक्सेलेंट इन सर्टेन थिंग्स बट इस टू डू थिंग्स इन विच ही एक्सपीरियंस क्या कभी आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं या देखे हैं जो किसी खास चीज़ों में बहुत ही अच्छा होता है लेकिन उसको वो चीज़ें करने के लिए कही जाती है जिसमें उसका कोई अनुभव एक्सपीरियंस नहीं होता है हाउ डिड ही और शी परफॉर्म वो कैसा प्रदर्शन करेगा वर यू अम्यूस्ड अनोयड टू सी हिज हर परफॉर्मेंस क्या आप उसके परफॉर्मेंस को देख कर खुश हो जाएंगे या नाराज हो जाएंगे अम्यूस्ड खुश होना अनोईड का मतलब होता है नाराज हो जाना टिल योर क्लासमेट्स द लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस इस अनुभव से आपने क्या सीखा ये आप अपने सहपाठियों को क्लासमेट्स को बताइए शेयर कीजिए लेसन पर आते हैं कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोएट्स एंड स्कूलर्स। राजा कृष्णदेव राय अपने दरबार में कवियों और विद्वानों को संरक्षण देने के लिए जाने जाते थे पैट्रोनेज मतलब होता है संरक्षण देना पोएट कवि स्कॉलर्स विद्वान ही वॉज इक्वली फाउंड अ फाइन आर्ट उनको ललित कला में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इच्छा थी रुचि थी वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा एक बार उनको एक बहुत ही मेधावी कलाकार राजा वर्मा के बारे में पता चलता है ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्ट हिम टू ड्रो हिज पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट मतलब चित्र तो किंग ने राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और उसको अपनी तस्वीर ड्रॉ करने के लिए बनाने के लिए कही द किंग वॉज वेरी प्लेस्ड विथ द आर्टिस्ट वेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी जब राजा की तस्वीर बनकर तैयार हो गई तो राजा आर्टिस्ट से बहुत ही खुश हो गया का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना इन द पोर्ट्रेट द मजेस्टिक एंड हैंडसम द फ्रेम चित्र में वैभवशाली राजा और सुंदर राजा बिल्कुल जीता जागता प्रतीत हो रहा था इस पिक्चर में आप देख सकते हैं किंग है और किंग को आर्टिस्ट जो राजा वर्मा है वो तस्वीर गिफ्ट कर रहा है भेंट कर रहा है जिसमें राजा बिल्कुल जीता जागता प्रतीत हो रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट राजा वर्मा ड्रीव इमेजेस ऑफ फेमस कैरेक्टर्स फ्रॉम पुराना ऑफ मेन एंड वोमेन एंड सो ऑन और इसी प्रकार से राजा वर्मा ने पुराण के कई कलाकारों आदमी औरत और भी कई कलाकारों के चित्र को बनाया ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल्स और इस प्रकार वो अपनी इस प्रतिभा के लिए बहुत अच्छे से जाना जाने लगा ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग और वो इस प्रकार से राजा का बहुत ही करीबी और प्यारा बन गया ओवरवेलम्ड बाई जॉय खुशी से मुग्ध होकर Overwhelmed का मतलब होता है हो जाना. Overwhelmed by joy, खुशी से होकर, राजा ने को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुमको क्या चाहिए एंड राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई जब आर्टिस्ट राजा वर्मा ने कोई जवाब दिया नहीं किंग ऑन द generous impulse rewarded हिम with the चीफ मिनिस्टरशिप जब राजा वर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया तो किंग ने जल्दबाजी में या अचानक से उदारता के आवेग में आकर जनरस इम्पल्स का मतलब होता है उदारता के आवेग में आकर उसको मुख्यमंत्री पद से पुरस्कृत कर दिया उसको मुख्यमंत्री बना दिया दो राजा वर्मा वॉज ए गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट यद्यपि राजा वर्मा एक बहुत ही अच्छा इंसान था और एक मेधावी आर्टिस्ट कलाकार भी था ही हैड नो एक्सपीरियंस वोर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेकिन उसको शासन चलाने का कोई भी अनुभव नहीं था सोन एवरीथिंग वॉज थ्रोन इंटू डिसऑर्डर बिकॉज ऑफ हिस हिस्ट डिसीशन एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स जल्दी ही सारी चीज़ें बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई उनके जल्दबाजी में लिए गए फैसले से और राज्य के संचालन के दुर्व्यवस्था से सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना मैनेजमेंट संचालन डिसऑर्डर अस्त व्यस्त हो जाना दो पीपुल वर अनहैप्पी अबाउट हिस्स एडमिनिस्ट्रेशन दे डिड नॉट डेयर कंप्लेन टू किंग बिकॉज द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम यद्यपि लोग बहुत ही उसके एडमिनिस्ट्रेशन से शासन से ना खुश थे फिर भी किसी ने भी राजा से उसकी शिकायत करने की साहस नहीं किया या दुसाहस नहीं किया The elders of the town finally approached and एंड tenali raman's help in getting rid of the new and inept chief minister naye नए और अकुशल मंत्री से छुटकारा पाने के लिए शहर के कुछ बुजुर्ग लोग Raman के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की उनसे गुहार लगाई कि इसको किस तरह से मिनिस्टरशिप से मुख्यमंत्री के पद से हटाया जाए तेनाली रमन अशोक दैम आई शाल सुन फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द मिनिस्टरशिप और तेनाली रमन ने उनको आश्वासन दिया अशोक का मतलब होता है आश्वासन देना तेनाली रमन ने उनको आश्वासन देते हुए कहा कि मैं बहुत जल्द ही कोई ऐसा अहानिकारक रास्ता निकाल लूंगा जिससे कि मुख्यमंत्री को उस आर्टिस्ट को मुख्यमंत्री के पद से हटाया जा सके आफ्टर ए फ्यू वीक्स कुछ ही हफ्तों के बाद तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग द क्वीन्स एंड सम कोटियस टू हिस हाउस फॉर लंच कुछ ही हफ्तों के बाद तेनाली रमन ने राजा रानिया और कुछ दरबारियों को अपने घर पर दोपहर के खाने के लिए निमंत्रण दिया मीन वाइल्ड ही फाउंड ए वेरी गुड कार्पेंटर एंड पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ प्रिपेरिंग ए ग्रांड फेस्ट फॉर द किंग इसी बीच उसको एक बहुत ही अच्छे बढ़ई से परिचय हो जा रहा है और वो उस बढ़ई को इस ग्रैंड फिस्ट के प्रिपरेशन के लिए खाना बनाने के लिए जॉब पे रख ले रहा है द किंग एंड द अदर सैट फॉर लंच एंड एट तेनाली रमन ऑर्डर द कारपेंटर बिगान सर्विंग देम राजा और दूसरे जो भी थे वो दोपहर के खाने के लिए जब बैठ रहे हैं तो तेनाली रमन के आदेश अनुसार बढ़ई जो है सबको खाना सर्व करने परोसने जाता है असून अस दे पुट द फर्स्ट मोर्सल ऑफ फूड इन देअर माउथ जैसे ही उन लोगों ने भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में रखा द पीपल बिगा टू रिक्वेस्ट फॉर वाटर अगेन एंड अगेन लोग बार बार पानी मांगने शुरू कर लिएस्टिंग द फूड भोजन करने के तुरंत ही बाद द किंग रियलाइज दैट द फूड वॉज बैडली कुकड एंड वॉज अनबियरेबल हॉट ही वॉज एंग्री भोजन करने के तुरंत बाद राजा को ये एहसास हो गया कि भोजन बहुत ही खराब तरीके से पकाया गया था और बहुत ही अनबियरेबली असहनीय तीखा और गर्म था ही वॉज एंग्री और इस तरह से वो गुस्सा हो जाता है रमन हु हैज कुकड दिस फूड पूछते हैं राजा कि रमन ये खाना किसने बनाया है डू यू वॉन्ट ऑल टू सफर एंड डाई बाई ईटिंग दिस हॉरीबल फूड यहाँ सफर का मतलब होता है भुगतना डाई मर जाना हॉरीबल मतलब भयानक राजा उनसे पूछते हैं कि रमन ये खाना किसने बनाया है क्या तुम ये चाहते हो कि हम भुगतते हुए तुम्हारे ये हॉरीबल जो खतरनाक भयानक खाना है इसको खाकर हम भुगते और मर जाएं? इन हिस यूशुअल हम्बल वे तेनाली रमन सेड अपने सामान्य और नम्र तरीके से तेनाली रमन ने कहा आई बेग योर मैजिस्ट्रेस फॉर गिवनेस मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं देन ही शोड कारपेंटर टू द किंग आई हैव नेवर कम अक्रोस सच एन एक्सेलेंट कारपेंटर उन्होंने राजा के सामने कारपेंटर को बढ़ई को मिलाया दिखाया आई हैव नेवर कम अक्रोस सच एंड एक्सेलेंट कारपेंटर मैं कभी भी इस तरह के बढ़ई से नहीं मिला एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग द लंच फॉर टूडेज फीस्ट और इसलिए मैंने इसको आज के लंच के खाने के लिए बनाने के लिए जॉब पे रख लिया द किंग बिगैन लाफिंग लाउडली राजा जोर से हंसने शुरू करता है Have यू lost ऑल सेंस रमन रमन क्या तुम अपने सारे सेंस खो चुके हो ए गुड carpenter शुड बी एम्प्लॉय टू वर्क ऑन वुड बट नॉट ऑन फूड एक अच्छा बढ़ई केवल लकड़ी के काम के लिए रखा जा सकता है न कि फूड के लिए भोजन पकाने के लिए हाउ डिड यू गेट दिस फनी आइडिया तुमको ये मजाकिया तरीका कहाँ से सूझा

कारपेंटर टू कुक द फूड टू मेक हिम रियलाइज हिज ऑर्डर इन मेकिंग राजा वर्माज़ द चीफ मिनिस्टर तुरंत ही राजा को ये बात समझ में आ जा रही है कि तेनाली रमन ने एक बढ़ई को खाना पकाने के लिए इसलिए रखा ताकि वो राजा वर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के गलती का एहसास करा सके द किंग वॉज शिफ्ट फ्रॉम द रमन्स हाउस, ही इमिडिएटली रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट जैसे ही राजा वर्मा को आर्टिस्ट को तेनाली रमन के घर पे हुए घटना का पता चलता है तो वो अपना रिजाइन लेटर इस्तीफा लिखकर राजा के हाथ में सौंप देता और इस तरह राजा को एक हुए अनहोनी घटना या अप्रिय घटना और या कहेंगे शर्मिंदगी वाली घटना होने से बचा लेता है शर्मिंदा होने से बचा लेता है अगर राजा आर्टिस्ट को जॉब से निकाल देता तो ये राजा के लिए बहुत ही शर्म की बात होती क्योंकि राजा ने खुद ही आर्टिस्ट को बुलाकर उसको मुख्यमंत्री के पद पे रखा हुआ था तो इस तरह आर्टिस्ट ने खुद ही राजा को शर्मिंदा होने से बचा लिया अपना इस्तीफा उसको देकर लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनाली रमन दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट बाद में राजा वर्मा ने खुद ही जाकर तेनाली रमन को ये बात कही कि वो एक आर्टिस्ट बनके बहुत ही खुश है तो इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से राजा वर्मा जो एक आर्टिस्ट है किंग को अपना इस्तीफा रिजाइन लेटर देकर और उसको शर्मिंदा होने से बचा ले रहा है स्टूडेंट्स इस लेसन में बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा अच्छे से समझ में आ गया होगा अब आपकी बारी है कि आप लेसन को अच्छी तरीके से शुरू से पढ़ेंगे और अगर कहीं भी आपको स्पेलिंग नहीं आती है या वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट लगते हैं उस वर्ड को आप बिल्कुल फ्री हैं हमसे पूछने के लिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए Bye-bye.